ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को बड़े प्यार से पालना दे रहे हैं ताकि हम बच्चे फरिश्ता बन जाएं, जीवन में सफलताओं से भरपूर हो जाएं। तो बाबा आज कह रहे हैं सफलता के सितारों की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। आकाश के सितारे हैं और यह हैं धरती के सितारे। हम बच्चों को बाबा बड़े प्यार से देख रहे हैं कि एक तो आकाश के सितारे होते हैं और हमें धरती के सितारे। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। यह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ ही बन रात को दिन बनाते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे तो कोई दूर के सितारे, कोई सफलता के सितारे तो कोई उम्मीदवार के सितारे, कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। कोई स्थान बदलते, यहां स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बातों में हर कार्य में यह क्यों यह क्या यह पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे के प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों में हमें नहीं जाना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, तभी हम सफलता के सितारे बन सकते हैं। बाबा कहते हैं सभी अनुभव ही हैं। जब स्वयं के प्रति वह संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं के प्रति भारी बन जाती। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य के प्रति क्या क्यों कैसे कैसे हुआ ये पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण भी भारी बन जाता है। बाबा कहते हैं ना स्वयं के प्रति भारी बनना है ना संगठन के प्रति भारी बनना है। ये प्रभाव को संपूर्ण रूप से अर्थात क्या क्यों मन में जो प्रश्न उठते हैं उन्हें समाप्त करना है। मैं आत्मा परमात्मा सितारों मंडल में हूं, अर्थात जब निश्चय संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय कितना भी कोई कुछ बात समझाए महसूस ही नहीं होता। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं विजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि विजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर विजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं चली जाएगी। माया भी जानती है कि वो मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है तो किनारा कर लेगी। तो बाबा बहुत अच्छी रीति से माया पर जीत प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा मंत्र दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं कि हमें बिजी रहना है याद और सेवा। तब क्या होगा, हमें खुशी होगी, ना कभी दुखी होंगे ना दुख में रोएंगे। जितना बिजी होंगे उतना हम बाबा की याद में और सेवा में अपने जीवन को ऊंच और महान बना सकते हैं। क्या क्यों कैसे किसी बातों में नहीं जाना है, मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मैं विजयी आत्मा हूँ, मुझे खुश रहना है, बाबा की याद में रहना है, बहादुर बनना है। बाबा कहते हैं पांडव को भी रोता है क्या? नहीं रोता है। क्या क्यों ऐसे बातों में नहीं जाते, बस करना मना करना। तो बाबा ने जो सेवा दे दिया, याद की स्थिति में रहना है और सेवा करना है, ये दोनों स्थिति मेंटेन करना है। बाबा सितारों की नज़र में हम आत्माओं को देख के बात कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा, सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं के प्रति प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे।
सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के प्रति कभी भी पता नहीं क्या होगा, यह नहीं होगा, ये कर नहीं सकेंगे। सदा निश्चय होगा, जो होगा अच्छा होगा। यह है असफलता का अंश मात्र भी अंश नहीं होगा। बाबा जैसे स्लोगान देते ना, सफलता जन्म सिद्धि अधिकार है, यह हमें सर्टिफिकेट लेना है। निर्मल स्वभाव होगा, उसके गीत गाएंगे लेकिन वो स्वयं का सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदु रूप में स्थित रहे हर कार्य में, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता की प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी है और परिस्थिति आई वह प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे, चाहे बाहर की परिस्थिति हो अंदर की स्वस्थिति हो, सफलता का अनुभव होगा। सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। बाबा कहते हैं किसी के प्रभाव में नहीं आएगा, वो असफलताओं को भी परिवर्तन कर लेगा। बाबा ने सुनाए सफलता के सितारे की विशेषताएं, ऐसा ऐसा होता है। बाबा कहते हैं अभी अपने से पूछो मैं कौन सा सितारा हूं, उम्मीदवार सफलता कौन सा सितारा हूं। प्रत्येक सफलता का अनुभव ना करना इसमें भी शक्तिशाली व दिल शिकस्त, यह नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है। बाबा कहते चलते चलते थकावट नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते अगर सहयोगी बनते हो तो 5000 वर्ष भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसीलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर ये आत्मा है, इसी को कहते हैं मुश्किल को सहज करना। इसलिए बाबा आज निरंतर वरदान देते जा रहे हैं सफलताओं के ऊपर कि सदा रूहानी सफलता श्रेष्ठ सितारों को सदा एक स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ सदा रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं बाबा और नमस्ते भी कर रहे हैं। बाबा बड़े प्यार से हम बच्चों को ज्ञान रत्न से भरपूर किए, और बाबा की कितनी ऊंची नज़र है कि हम सफलता के सितारे बन जाएं, और जो कमियां हैं बाबा ने वो बता दिया, उसके लिए निश्चय बुद्धि बनना है और बेफिक्र बादशाह भी बनना है, और एक समझना है कि सर्वशक्तिवान सदा मेरा साथी है और सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहें तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भाव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है, और शोक के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। बाबा स्लोगन में कह रहे अपने संकल्प को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से बाबा की मुरली को गहरी रीति से चिंतन करके सर्व खजानों से भरपूर होके हमें स्वकल्याणी विश्व कल्याणी आत्मा बनना है और विघ्न प्रूफ बनना है, रूहानी खुशबू फैलानी है, मुस्कुराते रहना है और पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ता रहना है। और बाबा ने जो अंत में कहा है कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, क्योंकि विशेष ज्ञान का श्रृंगार बाबा कर रहे हैं, हम बच्चों को फूलों को महका रहे हैं, तो उसी नशे में उसी ख्याल में रहना है, मुस्कुराते रहना है, सेवा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, स्थिति को ऊंच बना के रखना है। आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ।
और सारे संसार को रोशन कर रहा हूँ, अपने दिव्य प्रकाश फैला रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।